wonderful film. It's a coming of age film. और आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद द यंगर जनरेशन. बहुत मेहनत करके हमने ये पिक्चर बनाई है और इसका फल मिलता है और वो मीठा फल मिलता है तो अच्छा लगता है. एक मिनट, इसका एक और सवाल, उसके बाद आपका. हाँ बोलिए. नो हेजिटेशन व्हाटसएवर. व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई लाइक्ड इट. फर्स्ट 10 पेजेस वाज एंगेजिंग. 10 पन्नों में पता चल जाता है कि स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगती है या नहीं है. वो किरदार मुझे अच्छा लगा, हर्षवर्धन अच्छे लगे मुझे, तो इसीलिए मैंने ये फिल्म किया. दे वांटेड समवन हु लुक्ड अ सर्टेन वे, हु कुड बी अ स्विमर एंड हु कुड डाइव एंड डू ऑल दी स्विमर टाइप थिंग्स एंड आई कुड एंड देन आई गिव द ऑडिशन एंड बाय द टाइम आई बिफोर आई कुड लीव द बिल्डिंग आई गॉट अ कॉल सेइंग कम बैक फॉर अ रीडिंग विद गुलशन. सो एक्चुअली जब रिलीज हो रही थी तो हम सब सोच रहे थे कि यार ये दिन आ गया. You know, because we were just really waiting for so long for this film to be made and then released, and then so we're really happy that it's releasing, and success party is a bonus. Somebody messaged me, I won't tell you who, and they said you can kill with a smile. So I said, yeah, thank you. No. Thank you. Thanks a lot. I saw it a week ago, and I laughed a lot. I thought the actors were absolutely brilliant, especially the kids. They really did a great job. Of course, Gullu and Radhika, they're my friends, so I don't want to be biased, but they really were very good. Radhika was, you know, extremely natural, and I really fell in love with her character. Very happy, actually. मैं गया था सारे theaters में देखने के लिए. Audience response तो मज़ेदार सा था. काफ़ी सारे जोक्स जो मैं भी नहीं हंसता था उस पर भी हंस रहे. सो बहुत ही ब्रिलियंट सा फीलिंग है. इट्स फैंटास्टिक.